लास्ट ईयर में हम लोगों ने स्ट्रिंग की और पेंडुलम की जो है उस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखी थी, लेकिन आज हम अपना काम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम हर पॉइंट पर पेंडुलम के लिए और स्ट्रिंग के लिए टोटल एनर्जी निकालना सीखते हैं कि हर पॉइंट पर इनकी टोटल एनर्जी क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा इस फॉर्मूले से इक्वल आती है कि 1/2 PxnotSphere से इक्वल आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी हमारी 1/2 KxnotSphere से इक्वल आई थी, और ये दोनों की दोनों एनर्जी ही हमारी मैक्सिमम पॉइंट पर आई थी। यानी कि हमने कहा था कि जब पेंडुलम अपनी मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन पर जाता है तो इसमें जो वर्क डन किया जाता है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में किया जाता है, जैसे कि यहाँ स्पिन पर किया जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो 1/2 KxnotSphere से इक्वल आ जाती है। और जब ये अपनी मेन पोजिशन पर जाता है ये जो है यहाँ पेंडुलम, क्योंकि दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है फॉलो करते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है एट मेन पोजिशन वो 1/2 KxnotSphere से इक्वल ही आ जाती है। लेकिन अगर आज हम अपना काम थोड़ा सा इस तरीके से करें कि हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो एट पॉइंट हम लोग कह देते हैं कि जी हम लोग मेन पोजीशन पे फाइंड आउट कर रहे हैं, हम मेन पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि जब भी टोटल एनर्जी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि उस बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उन सब एनर्जी का सम। और अभी तक हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी देखी है वो दो तरह की देखी है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब है ये दोनों एनर्जी का जो सम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि स्प्रिंग या पेंडुलम की टोटल एनर्जी से इक्वल होगा, और ये टोटल एनर्जी हम लोग मेन पोजिशन पर ले रहे हैं। इस पोजिशन पर जब हमारा ये वाला स्प्रिंग का मैथ अपनी 6.A इस पोजिशन पर आता है तो उस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसा कि इस एनिमेशन से वाजा है कि जब ये स्प्रिंग का ये जो स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ मैस है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो अपनी जब एक्सट्रीम पोजीशन से सॉरी अपनी मेन पोजीशन पर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, और जैसे ये मेन पोजीशन पर आता है तो इसमें जो सारी की सारी एनर्जी है वो इंटरचेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरचेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली पेंडुलम के केस में भी ऐसा ही होता है, जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मेन पोजीशन पर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तो जमीन से बुलंदी पर है तो इसमें जो भी वर्कडन किया जाता है और वर्कडन जो भी किया जाए किसी भी बॉडी पर उसे मूव कराने के लिए वो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी की शेयर में स्टोर हो जाता है, चाहे वो स्क्रीन को एक्सटेंड करने के लिए हो या पेंडुलम को मूव कराने के लिए। तो जैसे ही अपनी जो है मैं एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है तो इसमें जो जमा शुदा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हुए मेन पोजीशन पर पहुँचते वक्त सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी जो मेन पर एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी एट मेन पोजीशन जीरो हो जाती है। और अगर सारी की सारी एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मेन पर जो है मेन पॉइंट पर जो है सबसे ज़्यादा होती है यानी कि मैक्सिमम होती है। तो इस वक्त जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 1/2 KxnotSphere से इक्वल है। तो हमें ये कहना चाहिए कि हमारी जो टोटल एनर्जी है मेन पॉइंट पर या मेन पोजीशन पर वो 1/2 KxnotSphere के इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। अब अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात की जाए कि हम लोगों को जो टोटल एनर्जी चाहिए वो एक्सट्रीम पॉइंट पर चाहिए, यानी कि जो जैसे कि ये स्प्रिंग है हमारा, तो स्प्रिंग को जब हम एक्सटेंड करते हैं बाय अप्लाइड सम फोर्स तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है अपने 6.0 से। इस पॉइंट पर पहुँच कर जो एनर्जी हमारे पास है वो एनर्जी के बारे में हमें बताना है कि वो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर पहुँच कर किससे इक्वल आती है। अगर पेंडुलम की बात की जाए तो पेंडुलम को जब इसकी मेन पोजीशन से यहाँ पर मूव कराते हैं तो इस पॉइंट पर जाकर जो इसमें एनर्जी होती है उस एनर्जी के बारे में हमें बताना है। तो टोटल एनर्जी इस एक्सट्रीम पर वो जो है वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हम एनर्जी का सम लें तो जो एनर्जी है वो अगर बताना चाहें तो हमें दोनों चीज़ों का सम लेना पड़ता है, हमें काइनेटिक एनर्जी भी बतानी पड़ती है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बताना पड़ता है।
अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात की जाए तो हमें मालूम है कि जब एक्सट्रीम पॉइंट पर ये पेंडुलम जाता है तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाकर ही इसे एक्सट्रीम पॉइंट पर लेकर जाया जाता है, यानी कि इसमें जो वर्क डन किया जा रहा होता है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है, और ऐसा ऐसे इसमें जो वर्क बढ़ता चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट की वजह से भी पेंडुलम में बढ़ती चली जाती है, और जब ये इस हाइट पर इस एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जाता है तो उस वक्त इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी के जीरो हो जाने और काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल ख़त्म हो जाने से देखिए सारी की सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। सिमिलरली जब स्प्रिंग की बात आती है तो स्प्रिंग को भी जब हम एक्सटेंड करते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो फोर्स के लगाने से इसमें जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है उसमें सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में इंटरचेंज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी खुद जीरो हो जाती है। यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो और जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी बाकी रह जाती है। अब बात ये है कि हमें ये मालूम करना है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे कह रहे हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 1/2 kx² के इक्वल आती है, और ये किस तरह से आती है, हमने कहा था कि जब भी किसी बोर्ड पर वर्क डन दिया जाता है तो ये वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फील्ड में स्टोर हो जाता है, और वर्क डन हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से इक्वल है। हम लोगों ने फोर्स के लिए एवरेज फोर्स निकाली थी जो कि 1/2 kx² आई थी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हम लोगों ने x² रखा था। तो इस तरीके से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बनी थी वो 1/2 kx² आई थी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है वो टोटल एनर्जी इस तरह की है कि हमारी जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी होना चाहिए कि हमारी टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से इक्वल है, ये जीरो हो चुकी है, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है जो कि 1/2 kx² के इक्वल है। अब एक बात गौर की होगी कि हर पॉइंट पर चाहे वो मेन हो या एक्सट्रीम हो, एक एनर्जी आती है तो दूसरी एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में तब्दील हो जाती है, यानी कि अगर हम मेन पोजिशन की बात करें तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंटरचेंज हो जाती है, और अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और अगर मैं किसी एक दरमियान के पॉइंट की बात करूँ, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टोटल एनर्जी चाहिए एट सम इंस्टेंटेनियस पॉइंट, यानी कि हम लोग कहें कि टोटल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करनी है किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक पॉइंट पर हम लोगों को किसी भी एक इंस्टेंट के लिए, टाइम इंटरवल के लिए, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोगों को एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि अगर यहाँ जाके मैं बोर्ड को रोक देती हूँ सम टाइम इंटरवल में, तो इस सिचुएशन में इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी मौजूद होंगी। अगर ये बोर्ड ना ही कम्प्लीटली हाइट पर है और ना ही कम्प्लीटली अपनी मेन पोजिशन पर है, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में ये दोनों एनर्जी रखता है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसा कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ऐसा बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही एनर्जी एट अ टाइम इसमें मौजूद होंगी किसी भी एक इंस्टेंट पर। सिमिलरली अगर स्प्रिंग की बात की जाए और स्प्रिंग को मेन पोजिशन से थोड़ा सा आगे किसी पोजिशन पर रोक लिया जाए तो उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही होगी अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि इस सिचुएशन में भी इसके पास दोनों एनर्जीज मौजूद हैं। और अगर ये कंप्रेस हो रहा है यानी कि एक्सट्रीम से वापस आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ऐसा कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। तो किसी भी एक इंस्टेंट की बात की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ काइनेटिक है या पोटेंशियल है, बल्कि हमें ये कहना पड़ेगा कि एट अ टाइम किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी भी एक फिल्म है किसी भी पॉइंट पर उसमें काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है। तो हमें इस सिचुएशन में यहाँ पर लिखना चाहिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी एज वेल एज इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अभी पीछे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के लिए ये रिलेशनशिप निकाला था कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो बराबर है 1/2 mv² के, और इसके इसी जगह हम लोगों ने जो अभी शेयर है इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी थी, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई थी 1/2 kx² का स्केयर और साथ में 1 - x का स्केयर डिवाइडेड बाई x² का स्केयर।
और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एग्जाम से प्रूव किया था। अगर मैं अभी से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि बार बार टर्म को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेटली लिखना चाहूँ, तो मेरे लिए ये फॉर्मूला बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना, वो इजी हो जाएगा। तो लेट्स से कि ये हमारे लिए इजी होता भी है या मोर डिफिकल्ट हो जाता है, इसे करके देखते हैं। अगर 1/2 की एक्स नोट स्क्वेयर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास ये भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन आता है, देन ये वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, जो कि 1/2 की एक्स नोट स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स नोट स्क्वेयर है। और ये वाली टर्म किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो एज इट इज ही लिख देना चाहिए। अब हमारे पास ये जो एक्स नोड है, ये इस एक्स नोड से कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन बनती है वो इस तरह की आएगी कि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/2 के एक्स नोड से, और ये भी 1/2 के एक्स नोड का स्क्वायर और माइनस। अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा इस तरह से बताती हूँ कि ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर तो 1/2 के एक्स नोड स्क्वायर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 के एक्स नोड स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो बचता है वो 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आ जाता है। तो ये वाली दो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है, जैसे कि सिचुएशन आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होकर 1/2 के एक्स नोट आ जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से बता देते हैं कि ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आ गया, सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -1/2 के एक्स स्क्वेयर आ जाता है, और इसी तरह ये 1/2 +1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहिए था कि हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो ये है कि यहाँ पर -1/2 के एक्स आता है, एक्स स्क्वेयर आ जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ये जो एक्स है ये कम्प्लीटली एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि हम लोगों ने किसी एक टाइम इंटरवल में बात की है, तो इसका मतलब एक कम्प्लीटली एक डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना हुआ। वैसे मेन पोजिशन एम पोजिशन से कम्प्लीटली अपनी एक स्ट्रीम पर नहीं गया, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको एक्स लिखें। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर देना चाहिए। एक्स नोट पुट करने से ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं और जो हमारे पास टोटल एनर्जी इंस्टेंट जो टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी निकलती है वो 1/2 की एक्स नोट से इक्वल आती है। तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी है वो भी 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर है, जो एक्सट्रीम पर हमारे पास एनर्जी आई है वो भी 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आई है, और जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने गेन की है वो भी 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आई है। यानी कि मीन, एक्सट्रीम और किसी भी टाइम इंटरवल में हमारे पास जो एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी, वो 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर आई है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये कह सकती हूँ कि टोटल एनर्जी जो है वो हमारी जो है मेन पॉइंट पर वो बराबर है टोटल एनर्जी जो हम लोगों ने स्क्रीन पर निकाली है, और वो टोटल एनर्जी बराबर है जो हमने किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी टाइम इंटरवल में जो एनर्जी निकाली है, ये तीनों एनर्जी आपस में बराबर है, जो कि 1/2 के एक्स नोट स्क्वेयर के इक्वल है। यहाँ पे स्क्वेयर आना चाहिए, ये इस फॉर्मूले के इक्वल है। और इस चीज को जब एनर्जी की जो मिकदार है बराबर रहे, बल्कि वो बराबर रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती चली जाए, जैसे कि दंडोलन में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसी तरह स्प्रिंग में भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती जा रही है, लेकिन एनर्जी जाया नहीं होती। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए भी है और एज वेल एज हमारी पिंडोलन के लिए भी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर पिंडोलन के लिए या स्प्रिंग के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के जरिए इन इन चीज़ों को प्रूव करके उनके लिए एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों सिचुएशन में ऑब्वे करता है।